نحن به ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد سنة کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے بیوی کے حقوق The Rights of Wife دو طرح کے مکان اور گھر ہے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں نمبر ایک وہ جہاں سکون ہوتا ہے چین ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے اور خوشیاں ہوتی ہیں محبت ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا ادب ہوتا ہے اور نمبر دو وہ گھر یا وہ مکان جہاں چین نہ ہو سکون نہ ہو اطمینان نہ ہو محبت نہ ہو الفت نہ ہو چاہت نہ ہو ادب اور تعظیم نہ ہو بعض گھروں میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ان گھروں کو جنہوں نے کبھی گھر میں لڑائی دیکھی نہ ہو اور جن کے یہاں کبھی لڑائی جھگڑے نہ ہوتے ہو اب ہوتا یہ ہے کہ شادی کے چند ماہ بعد طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے اور حال یہ ہے کہ طلاق مسائل کا سلوشن اور حل نہیں ہے کسی بھی پرابلم کا حل اور سلوشن طلاق نہیں ہے بلکہ طلاق سے تو اور پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں اور مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں سو جہاں سکون ہے اطمینان ہے خوشیاں ہیں اور محبت اور چاہت ہے اس کے بھی اسباب اور ریزنس ہیں اور جہاں جس مکان میں جس گھر میں ہر وقت لڑائی ہے جھگڑا ہے سکون نہیں اطمینان نہیں چین اور قرار نہیں اس کے بھی اسباب اور ریزنس ہیں اگر ان اسباب سے بچا جائے جن اسباب کی بنیاد پر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر کا سکون اور چین تباہ ہوتا ہے تو امید ہے کہ گھر سے لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں اور وہاں بھی سکون اور اطمینان کی فضا قائم ہو اور اگر ان اسباب کو اپنایا جائے ان اسباب کو
इख्तियार किया जाए, उन रीजंस को फॉलो किया जाए जिससे घर में मोहब्बत होती है, चाहत होती है, जो मोहब्बत के असबाब हैं, सुकून के असबाब हैं, इत्मीनान और चैन के असबाब हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला घर में सुकून होगा, इत्मीनान होगा। घर में सुकून हो तो घर जन्नत जैसा होता है, और घर में चैन और इत्मीनान न हो, हर वक्त लड़ाई झगड़े हो, तो घर दोजख जैसा बन जाता है। मैंने जहां तक देखा, माशरे को, सोसाइटी को पढ़ा, तो मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि घर में आराम, सुकून, मोहब्बत और चाहत के असबाब क्या हैं, और घर में लड़ाई झगड़े और बे आरामी और बेसुकूनी के असबाब क्या हैं। सो ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के जिम्मे कुछ न कुछ हुकूक और राइट्स रखे हैं, उसमें डिवाइन राइट्स भी हैं, हुकूक खुदाबंदी, ह्यूमन राइट्स भी हैं, इंसानी हुकूक। फिर इंसानी हुकूक में माँ बाप का हक भी है, बहन भाइयों का हक भी है, जो आपके नेबर्स हैं, पड़ोस के लोग हैं, उनका हक भी है, जो आपके साथ मुल्क में किसी कंट्री में रहते हैं उनका हक भी है, जो आपके साथ किसी माशरे या सोसाइटी में है उनके भी राइट्स हैं, और इस्लाम में जानवरों तक के राइट्स हैं, जानवरों तक के हुकूक हैं, मियां बीवी के भी हुकूक हैं, उनके भी राइट्स हैं और औलाद के भी हैं। लेकिन चूंकि घर बनाने में और घर बिगाड़ने में मां बीवी का ज्यादा रोल होता है, उनका ज्यादा काम होता है, इसलिए हमने इब्तिदा की मियां बीवी के हुकूक से। अगर एक शौहर ये जाने कि उस पर उसके बीवी के राइट्स क्या हैं और हुकूक क्या हैं, और एक बीवी ये जाने कि उस पर उसके शौहर के राइट्स और हुकूक क्या हैं, और जानने के बाद शौहर बीवी के हुकूक पूरे करे और बीवी शौहर के हुकूक पूरे करे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जमानत देता हूं घर में सुकून और इत्मीनान की, घर में उल्फत और चाहत की, एक खुशहाल घराने की, एक पुरसुकून माहौल की, जहां अदब भी होगा, जहां मोहब्बत भी होगी, चाहत भी होगी, सुकून भी होगा, चैन और करार भी होगा, और आपका दिल चाहेगा कि घर वापस कब पलट के जाऊंगा, घर एक सायादार दरख्त की तरह हो जाएगा, जैसे दरख्त होता है, दरख्त का साया होता है, तो इंसान को जब धूप में दरख्त का साया मिलता है तो उसे सुकून होता है, एक आराम मिलता है। तो अगर आप चाहें कि आपके घर, घर का माहौल उस दरख्त की तरह हो जाए जो सायादार दरख्त होता है, तो आज का खिताब जुम्मा सुनने वाले मेरे भाई भी डायरी उठा लें और बहनें भी अपनी डायरियां उठा लें, और जो भी हुकूक शौहर के बताए जाएं उसको भी लिख लें, और जो भी हुकूक
बीवी के बताए जाए उसको भी लिखिए, उसको याद करिए, हिफ्स करें, मेमोराइज करें, जाने और समझे और उसके बाद उनको पूरा करें। ये सबसे बड़ा वजीफा है, सबसे बड़ा वजीफा है। पूछते हैं घर में सुकून नहीं है, घर में दिल नहीं लगता, हजरत कोई वजीफा बता दें, तो मैं वजीफा आज बता रहा हूं आपको। तो हमने इब्तिदा की है बीवी के हुकूक और राइट से। उलमा ने बयान किया कि बीवी का एक हक ये है कि शोहर उसके खाने पीने, उसके लिबास और उसकी रिहाइश और मकान का इंतजाम करे। शोहर की ड्यूटी है कि वो कमा के दे, बीवी को कमा के दे, वो बाहर बाहर के काम काज करे। और बीवी की ड्यूटी ये है कि वो घर को बनाए, घर को सवारे, घर का माहौल सुथरा और पाकीजा बनाए। और ये भी लिखा कि बीवी का एक हक ये भी है कि शोहर उसको दीन के मसाइल और अहकाम सिखाए और बताए, वो तहारत के हों, वो नमाज के हों, वो जक़ात के हों, वो गुस्ल के हों, वो रोजे के हों, वो हज के हों, वो बिजनेस और तजारत के हों, गर्ज जो भी दीनी और फिक्ही मसाइल है, शौहर का, शौहर के ऊपर बीवी का हक है और राइट है कि शौहर उसको दीन के और फिक्ह के अहकाम और मसाइल सिखाए और बताए। बीवी का एक हक ये भी है कि शौहर उसको हमेशा हलाल खिलाए, इसलिए कि जो शख्स हराम कमाता या खाता है वो दोजख में जाएगा। तो शौहर का हक ये है, बीवी का हक शौहर पर ये है कि शौहर उसको हर उस काम से बचाए जिस काम के सबब कल कयामत को बीवी दोजख में जा सके। ये बीवी शौहर का, बीवी का शौहर पर हक है कि उसको दोजख से बचाए, उसको दीन का इल्म देकर, उसको हलाल खिलाकर। और ये भी बीवी का हक है कि शौहर उस पर जुल्म न करे, उसको मारे नहीं, उसको पीटे नहीं, उसको गाली न दे, उसको ऐसे अल्फाज और कलिमात से मुखातब न करे और ऐसे अल्फाज और कलिमात से न पुकारे, न बुलाए जिससे उसके दिल को तकलीफ होती हो। हुजूर सलाम ने पूरी जिंदगी में अपने किसी बीवी को न मारा है, न उसको पीटा है, न उसको नाजेबा अल्फाज व कलिमात कह के पुकारा है। हर उस नाम से पुकारें जिससे वो खुश होती हो, जिससे उसके दिल को आराम और सुकून मिलता हो। और बीवी का एक हक और राइट तहम्मुल है, बर्दाश्त है, क्योंकि बस औकात कोई ऐसी ज्यादती हो जाती है बीवी की तरफ से, तो शोहर को चाहिए कि वो उन ज्यादतियों को बर्दाश्त करे, अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करे। और बीवियों के हुकूक में से एक हक इलाज भी है, बीमार हो जाए तो उसका इलाज ये उसका हक है, तीमारदारी, बीमार कुर्सी, देखभाल ये उसका हक है। ये नहीं कि जब सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो तो साथ में थे, बीमार हो गई तो घर से निकाल दिया, बीमार हो गई तो मां बाप से कहा कि तुम इलाज कराओ अपनी बेटी का। उनकी बेटी बेशक है लेकिन अब ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका इलाज करें, उसकी तीमारदारी करें। इंशाअल्लाह हर इस्लामी महीना अल्लाह पाक ने चाहा और जिंदा रहे, हर इस्लामी चौथा महीना हमारा राइट्स पर होगा, ह्यूमन राइट्स पर और स्पेशली मियां बीवी के हुकूक पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा जुम्मा है गालिबुल इस्लामी, तो ये खिताब बहन भाई जरूर सुना करें। आज हम
जिस राइट को और हक को डिटेल से बयान करेंगे वो है एहसान ज़ौजा, बीवी के साथ शफकत, काइंडनेस, हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव। अल्लाह पाक ने फरमाया वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, लोगों उनके साथ यानी बीवियों के साथ मारूफ तरीके से रहो। मारूफ का माना है शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, कि जो हक बीवी का है शौहर उसे पूरा करे और जो हक शौहर का है बीवी उसे पूरा करे। बीवी को चाहिए कि वो शौहर के साथ अखलाक से पेश आए, शौहर को चाहिए कि वो भी बीवी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सलूक करे। और हदीस के मुताबिक किसी मोमिन को देखकर मुस्कुराना और मुस्कुरा कर मिलना ये सदका है, इसमें सवाब मिलता है। तो अगर कोई मियां अपनी बीवी को या बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराए, ये भी सदका और सवाब है। और सही बुखारी में यहां तक है, हुजूर सलाम ने अखलाक का नमूना दिया, फरमाया कि अगर कोई शौहर खाने का रोटी का लुकमा बनाकर बीवी के मुंह में डाले, हुजूर ने फरमाया ये भी सवाब है और सदका है। हुजूर सलाम ने यहां तक बीवियों के साथ नरमी और हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। और एक हदीस में है, हुजूर सलाम ने फरमाया इन मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनहुम खुलका खुलका व अल्तफहुम बिअहलिही, कि मोमिनीन में से उनका ईमान कामिल है और परफेक्ट है जिनका अखलाक अच्छा हो और जो अपने अहल आयाल के साथ, बाल बच के साथ, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे और अखलाक से पेश आए, खंदा पेशानी से पेश आए, मोहब्बत और चाहत से पेश आए। इस हदीस में कामिल ईमान की दो अलामात हुजूर सलाम ने बताई। नंबर एक, हुस्नुल खुल्क, अच्छा अखलाक। जब इंसान का अखलाक अच्छा होता है तो अच्छे अखलाक से उसका ईमान परफेक्ट होता है, उसका ईमान कामिल होता है, उसका ईमान मजबूत और स्ट्रांग होता है। और नंबर दो, बीवी के साथ, अहले आयाल के साथ, घर वालों के साथ, घर में बसने वालों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा रवैया और अच्छा बर्ताव, इससे भी ईमान कामिल होता है। परफेक्शन ऑफ ईमान, तकमील ईमान दो बातों पर है और दो बातों से है, अखलाक का अच्छा होना और बीवी के साथ नरमी से पेश आना, अच्छा सलूक करना। इस तरह एक और हदीस में हुज़ूर सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा वो है और सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल आयाल के लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। और फरमाया अना खैरुकुम लिअहली, मैं अल्लाह का नबी होकर, अल्लाह का रसूल महबूब और मुकर्रब होकर अपने अहल आयाल और अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा और बेहतर हूं। ये नहीं कि अल्लाह के नबी और रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सलाम का रवैया और हुजूर का सलूक अपने बीवियों से और अज़वाज मुतहरात से अलग हुआ, ऐसा नहीं। फरमाया लोगों मुझे देखो, मेरी जिंदगी को देखो, और जो सलूक मुस्तफा का, ताजदार कायनात का अपनी बीवियों के साथ है, वो सलूक अपने बीवियों के साथ करो।
हुजूर सलाम हमेशा अपने बीवियों पर अज़वाज मुतहरात पर नरमी फरमाते, उनके साथ खंदा पेशानी से पेश आते, उनकी जायज शिकायात भी सुनते, उनकी बातें भी सुनते और उनके साथ गुफ्तगू भी फरमाते और उनके साथ हुजूर सलाम मजाक भी फरमाते थे, खुशतबी और दिल लगी की बातें भी फरमाते थे। और हुजूर सलाम अज़वाज मुतहरात के जायज मुतालबात को भी पूरा करते थे, जो उनकी डिमांड होती, जो उनका मुतालबा होता हुजूर सलाम उसे भी पूरा करते थे। वो अल्लाह के नबी होकर, अल्लाह के रसूल होकर, अल्लाह के मुकर्रब महबूब होकर भी अज़वाज मुतहरात के साथ इतने उसमें सलूक से पेश आते और इतने खंदा पेशानी और अखलाक से पेश आते कि दुनिया में आज न कोई आज तक उसकी मिसाल पेश कर सका और ना कयामत तक कोई उसकी मिसाल पेश कर सकेगा। इस तरह एक और हदीस में हुजूर सलाम ने फरमाया कि अकमलुल मोमिनीन अहसनुहुम अखलाका वख्यारुकुम ख्यारुकुम लिनिसाइही। फरमाया कि मोमिनीन में से सबसे कामिल ईमान वो शख्स है जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका अखलाक उमदा हो, जिसके अखलाक में नबवी रंग हो, जिसके अखलाक में मुस्तफ़वी रंग हो, जिसका अखलाक अखलाक मुस्तफ़वी हो, जिसका अखलाक अखलाक नबवी हो। फरमाया वो शख्स कामिल ईमान है, वो कामिल ईमान है। और फरमाया कि वो शख्स भी कामिल ईमान है, उसका ईमान भी कामिल है और परफेक्ट है, जो अपने अहले आयाल के लिए अच्छा हो, जिसका रवैया, जिसका सुलूक, जिसका अखलाक अपने अहले आयाल के साथ, अपने बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ अच्छा हो, जो शफकत एहसान काइंडनेस उसमें सुलूक से पेश आना, ये हक है आप पर आपकी बीवी का। इसी तरह शौहर का हक है उसकी बीवी पर। और मैंने बताया कि मुस्कुराने से आपका पैसा तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं होता कि आप मुस्कुरा लें, हंस लें और आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप उसकी रजा के लिए, उसकी रजा के लिए अपनी बीवियों को देखकर मुस्कुराया करें, वो आपको देख के मुस्कुराया करें, आपके नाम अमाल में भी ये मुस्कुराना सवाब लिखा जाएगा, उनके नाम अमाल में भी सवाब लिखा जाएगा। और मैं सही मुस्लिम की हदीसे सही कोट कर रहा हूं। हुजूर सलाम ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाकायदा नसीहत की है। हुजूर ने फरमाया या अबा ज़र ला तहक़रन मिन अल-मारूफ शैया अन तल्क़िया अख़ाका बिवजहिन तल्क़। फरमाया अबू ज़र किसी नेकी को ये समझ के कि ये मामूली है, छोटी है, न छोड़ना, मुमकिन है कि उस छोटी नेकी से, उस मामूली नेकी से रब राजी हो जाए। और फरमाया वो नेकी ये है कि जब भी अपने भाई से मिले तो मुस्कुरा कर मिलाकर, खंदा पेशानी से मिलाकर, माथे पे दारा न बजाया कर। तो जब आम इंसान से मुस्कुरा कर मिलना बायस सवाब है तो उससे मुस्कुरा कर मिलना क्यों बायस सवाब न हो, जो आपकी रफीका हयात है जिसने सब कुछ आपके लिए छोड़ा है, वालिद को छोड़कर आई, बहन भाइयों को छोड़कर आई, पूरे खानदान को छोड़कर आई, क्यों आई? फकत शौहर के खातिर। क्या? फकत शौहर के खातिर। और यहां से भी अगर उसको शफकत न मिले,
उसके साथ हुस्न सुलूक ना हो, अखलाक के साथ इंसान पेश ना आए, तो बताइए वो गरीब और बेचारी औरत जाएगी कहां, कहां जाएगी। तो ये याद रखें, अखलाक के बारे में मेरी नजर से दो तरह की हदीसें गुजरी हैं। बाद अहादीसों में हुजूर सलाम ने आम अखलाक की बात की है जनरल, और बाद अहादीस में हुजूर ने खास औरत के अखलाक की बात की है। खास औरत से अखलाक से पेश आने की बात की है, और फरमाया हुजूर सलाम ने कि कयामत के दिन तराजू में जब आमाल तोले जाएंगे तो सबसे ज्यादा वजन हुस्न अखलाक का होगा, मुस्तफवी और नबवी अखलाक का होगा। तो अपनी बीवियों से अखलाक से पेश आना ये कमजोरी नहीं है, ये सुन्नत रसूल है। आज से आप इस वजीफे को अपना लें, और मैं खास वजीफा को एक और वजीफा भी देता हूं पढ़ने का, ये तो प्रैक्टिकली वजीफा है, इस पे आपको अमल करना है। और एक पढ़ने का वजीफा याद रखें, या वदूद या अल्लाह, बोलिए क्या, या वदूद या अल्लाह। ये शौहर भी पढ़ा करें और बीवियां भी पढ़ा करें, और पढ़ के एक दूसरे को दम किया करें, इंशाल्लाह मोहब्बत होगी, चाहत होगी, सुकून होगा, इत्मीनान होगा। अल्लाह ताला हम में से हर एक के घर को इत्मीनान का, सुकून का, चाहतों मोहब्बतों का मरकज और महवर बना दे। صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة